नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में व्याप्त समस्याओं को लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर पालिका के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मकरोनिया चौराहे से रैली के रूप में नारे लगाते हुए नगर पालिका पहुँचे, जहाँ राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को एक 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में हाल ही में जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सौंपे गए ज्ञापन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मकरोनिया क्षेत्र में बिछाई गई सीवर लाइन के गड्ढे खुदे हुए हैं, पानी के लिए क्षेत्रवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। सुलभ शौचालय का मंत्री गोपाल भार्गव 2 बार भूमि पूजन कर चुके हैं और वहां भी अधूरा पड़ा है। इसके अलावा शासन द्वारा निचले तबके के लिए राजीव आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन उसमें भी गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा और इसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मकरोनिया नगर पालिका में चाहे जो पाइपलाइन बिछाई जा रही हो उसमें हो भ्रष्टाचार, चाहे कंप्यूटर की खरीदी में, चाहे जहां भी आप देख रहे हो तमाम सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। जन सुविधाओं के नाम पर जिस तरीके से, जिस भरोसे के साथ नगर पालिका पर विश्वास नगर के बासिंदे करते हैं, लेकिन देखने में आया है सेप्टिक टैंक खुदे पड़े हैं, नालियां खुदी पड़ी हैं। आज आप देखेंगे आम आदमी पानी के लिए परेशान है। आम आदमी की जरूरत सुलभ कॉम्प्लेक्स, गोपाल भार्गव जी 2 बार भूमि पूजन कर गए चौराहे पे, सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बना। ऐसी तमाम सारी जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो सारी की सारी निर्माण कार्य की एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंटों के माध्यम से काम कराना चालू किया है, जिसमें भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं हो रहा। हमारे वीरेंद्र गौर साहब और सुरेंद्र स्वानी जी की गली में जो बंडा से रोड जाता है, वह रोड अभी 2.5 महीने पहले बनी, वो पूरी उखड़ गई। ऐसी रोडों की जांच होना चाहिए, दोषियों को जेल में डालना चाहिए और पुनर्निर्माण होना चाहिए उन सारे के सारे रोडों का। पानी के नाम पर जो पीने को, आपको याद होगा शंकरगढ़ में पिछले साल डेंगू में 3 लोग हमारे बेचारे इस नगर से ख़त्म हो गए थे और 17 लोग भर्ती हुए थे, लेकिन आज दिनांक तक कहीं भी कोई पानी के शुद्धिकरण के लिए पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा। जिसको लेके उन्होंने ज्ञापन दिया है, जैसे रोड को लेके है, कुछ आवास उन्होंने 10 मांगे रखी हैं। आदि समस्याओं से जूझ रहे हमारे नगर के लोगों की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक कांग्रेस और युवक कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है और हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि हमारी समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो। निराकरण ना होने की स्थिति में हमें मजबूर होकर उग्र आंदोलन के लिए उतरना।